लेकिन वो पानी सर और ठंडा। बोलो ना यार, शर्माते क्या हो यार आप? गाइस मैं आता हूँ थोड़ी देर में ठंडा जल लेके, बाय। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज जिसमें ये है पंकज सर और इनको हम कराएंगे वर्कआउट, और इनका वर्कआउट हम शूट करेंगे और इनकी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। 3 हफ्ते या 2 हफ्ते हमको ऑलरेडी हो चुके हैं और इसमें हमने 70 kg से 72.5 kg के आसपास तक वेट बढ़ा दिया। सर एक बार दिखा दीजिए प्लीज़ आप। दादा कैसे आ रहा है सर? माइक आधा किलो का माइक हो गया। 1/2 किलो का माइक तो लिए है, 25 ग्राम तो ना नहीं पानी है। पिया। अच्छा पानी भी हमने, हाँ ठीक है पानी चलो। पानी तो वार्म अप दिखा देते हैं सबसे पहले कि हम अपर बॉडी के दिन क्या वार्म अप कर रहे हैं आजकल। सबसे पहले तो हाथ दूर से पकड़ना है पाइप को आपके, तो धीरे धीरे करना है, ऐसे सर जैसे आतिशबाजी नहीं करनी है, थोड़ा धीरे करो सर। तो इससे बेसिकली आपके रोटेटर कफ, आपकी अपर बैक, आपका शोल्डर जॉइंट सब कुछ वार्म हो जाएगा, और धीरे धीरे करना है ये। अगर आपको लगता है कि बहुत इजी हो रहा है तो आप पास में से पकड़ के भी कर सकते हैं। सर थोड़ा पास में से पकड़ के बता दीजिए मुझे। हाँ अब ये थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, ऐसे शक्ल बिगड़ेगी, बट ऐसे करना नहीं है। देखो ये कंफर्टेबल नहीं है इनके लिए, तो इनको ये नहीं कराना है, इनको नॉर्मली करना है, ठीक है। हाँ अब दूसरी एक्सरसाइज ये है वार्म अप, जिसमें आपको ऐसे घुमाना है सर के ऊपर से पाइप को, और पाइप की जगह बैंड भी हो सकता है, आपको जो अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं फ्रेम में इसलिए नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मैं बदसूरत लग रहा हूँ आज, इसलिए नहीं है, ठीक ही लग रहा हूँ, आ तो सकते हैं। दोनों तरफ सर, इस तरफ भी करना है। नाइस, राइट, ठीक चल रही है, चलो अच्छी बात है। तो वेट एक्चुअली एवरीवन 72.50 ही है, काउंट करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कैमरा चालू करने से पहले तो 72.5 ही आ रहा था, पानी पी अभी लिया। पानी पी लिया शायद सर ने, इस वजह से शायद ऊपर नीचे आ रहा होगा। ठीक है सर, बेस्ट। अब हम करेंगे थोड़ी सी पुलअप्स, ये आप हटा दीजिए सर। देखो पुलअप्स करने का तरीका ये है एज अ बिगिनर कि आप स्टार्टिंग में तो नहीं कर पाओगे, तो या तो आप बैंड यूज कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो जैसे सर कर रहे हैं। सर जंप करके पुलअप करनी है और नीचे स्लो आना है, तो ये स्टार्टिंग के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। और नीचे स्लो, कांच में फोड़ देना सर, गरीब है हम थोड़े अभी। 3, 4, नीचे धीरे धीरे, और धीरे धीरे, 5, 6। अब बेसिकली इससे क्या हुआ, बॉडी को कंट्रोल करने की आदत होगी और मसल्स तैयार होंगे टू डू अ रेगुलर पुशअप। अभी बिल्कुल बेकार लगेगा, बट विद टाइम हम देखेंगे प्रोग्रेस करते हुए सर को एवरी सिंगल डे। एक और, बस नाइस। तो 10 रेप्स किए हैं, ऊपर जाके होल्ड करना है, नीचे स्लोली आना है इसके। पहले से इजियर हुआ, पहले जब कर रहे थे थोड़ा हार्ड लगता होगा। हाँ सर नाड़ा बांधते हुए सर आप देख सकते हैं, देखना चाहे तो। चड्डी दिख रही। और गाइस आज मैं काला कौवा बना हूं क्योंकि पूरे काले कपड़े पहने मैंने, और खुद भी मैं काला ही हूँ थोड़ा। यार शेयर जरूर करना लोग आपके। रेस्ट, एक और हाँ सेकंड सेट करते हुए सर हमारे। और ये सर की आईडिया आ रही है, सर ट्रैवल वगैरह करते हैं, बाइकिंग वगैरह करते हैं, मतलब राइडिंग वगैरह कहते हैं शायद, बाइकिंग तो नहीं कहते हैं जितना मेरे को आइडिया नहीं है कुछ। तो उनका अकाउंट भी आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरा करना है करो, नहीं करना है मत करो, क्योंकि मैं आदमी ऐसा हूँ कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सर गैंगस्टर आदमी है, हर संडे संडे गैंगस्टरबाजी करने जाते हैं, गाड़ी ले लेके ऐसे उछालते हैं ऐसे हवाओं में, मतलब ऐसे ज़्यादा हवा में नहीं, थोड़ा हवा में, क्योंकि भारी गाड़ी है, ऊपर हवा में से गिरेगी तो लग जाएगी गाड़ी को भी और अपने को भी, इसलिए। अच्छा
मैं इस सीरीज का नाम रख देता हूँ कि कॉमेडी नाइट्स विद कपिल है, वैसा जिम डेज विद दिव्यांश रख सकते हैं हम नाम, चाहे तो रख सकते हैं। नहीं रख सकते हैं ना, रख सकते। तो दो सेट सर ने किए हैं, तीसरा सेट मैं आपको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि कैमरा हमारे पास डिसेंट है, महंगा नहीं है, हम गरीब है थोड़े से तो इस वजह से। तो लास्ट वाला सेट आपको क्रॉप इन कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमको रोइंग करनी है। अब रोइंग का सेटअप क्या करना है, बेंच को थोड़ा सा पीछे करेंगे और कोशिश हम यही करेंगे कि सिर्फ दो डंबल्स यूज़ करें, एडजस्टेबल, और एक बेंच यूज़ करें ताकि आप भी फॉलो कर सकें जिनके पास मिनिमम इक्विपमेंट है। तो हम वैसे ही करने वाले हैं, तो इसको ऊपर करना है सेकेंड हाइट पे। ये होगा 25 से 30 डिग्री डिपेंडिंग अपॉन कौन से ब्रांड की बेंच है, और इसके ऊपर उल्टा लेट के आपको एक्सरसाइज करनी है। तो सर आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे, सही वाले ही ले लो, ब्राउन वाले 7.5 किलो। अब इनको उठाना कैसे है इसका भी ध्यान रखना, इनको पहले आगे रख दो यहाँ पे नीचे, अब आप ऊपर लेट जाओ, चेस्ट आएगा यहाँ पे, जो बोन है ना आपकी क्लेविकल वो यहाँ पे आएगी। हाँ अब ले लो, पुल करो एल्बोस। हाँ अब बॉडी भी ऊपर उठानी है लास्ट में ताकि पूरी बैक जो हो वो कॉन्ट्रैक्ट हो सके। उठाओ, देखो गर्दन नहीं उठानी, ये गर्दन उठ रही है, बॉडी उठाओ। अब ये पूरा स्ट्रेच लो, तो यहाँ रखना है डंबल पीछे, उठाओ पूरा नीचे पूरा ऊपर, गुड। 15 reps 3 sets करेंगे क्योंकि अभी भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुए नहीं हो, विद टाइम अपन जैसे जैसे वेट इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे बात करेंगे आगे सामने। बहुत बढ़िया, फोकस फोकस, दो और, एक लास्ट, यस। हो सकता है माइक मैं ना सर के चेस्ट पे लगा हुआ था उससे डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ हो, प्रॉबेबली हो सकता है। तो ये थी एक्सरसाइज डंबल असिस्टेड बेंच रोइंग या बेंच असिस्टेड रोइंग, डंबल पे जो भी आप कहना चाहे कह सकते हैं। तो ये थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज तो बेसिकली पुलअप्स था और सेकंड एक्सरसाइज ये है। तो इसके 3 sets करेंगे और फिर रेस्ट करेंगे। तो ये भी हम काटेंगे यहाँ पे क्योंकि सेंस नहीं आपको सब चीज़ें दिखाने का, बिहाइंड द सीन्स वगैरह दिखा देंगे कभी दिखाना हुआ तो, बट हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे क्योंकि बैटरी की कैपेसिटी भी कम है और कैमरे की मेमोरी कार्ड की कैपेसिटी भी कम है। गाइज यहाँ पे गर्मी भी बहुत है, तो अगर आप बहुत सारे व्यूज देंगे तो हम AC भी लगवा देंगे बाद में, आपकी मर्जी है। देखिए मजाक कर रहा हूँ, मत करना ऐसा, चिल चिल चिल। ये हमने कर दिया वेट कम, अब सर को थोड़ा सा इजी होना चाहिए करने में। एल्बोज बाहर यहाँ रखनी, यहाँ से ऐसे, एक हाथ सही किया तो उधर वाला गलत हो गया आपका। यहाँ पे ऐसे डंडा हो तो सोचो कैसे करोगे, यहाँ अगर डंडा फंसा दिया ये बाहर, और उठाओ ऊपर इसको, हाँ बेटर, नीचे पूरा जाओ आप। तो ये बेसिकली आपके लोअर ट्रैप्स, थोड़े बहुत अपर ट्रैप्स, अंदर रोमबर्ड्स होते हैं वो, उसके बाद रोटेटर कफ, रियर डेल्टॉइड, इन सबको टारगेट करेगी। पहले वाली एक्सरसाइज थोड़ा आपके लैट्स को ज़्यादा टारगेट कर रही थी। एल्बोज बाहर, अभी भी सर एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है सर के, हमको सीधा ऐसे ऊपर ले जाना, ये नहीं ऐसे यहाँ तक, ठीक है उठाओ वापस, आगे पीछे चला गया, थोड़ा समय लगेगा ये चीज़ सीखने में, कोई बात नहीं रेस्ट। आई होप आपको समझ आ रहा है कि कैसे करनी है एक्सरसाइज। एल्बोज बाहर की तरफ लानी है ना कि पास में, पास में लाओगे तो लैट्स ज़्यादा ट्रेन होंगे, बाहर निकालोगे अपर बैक ज़्यादा ट्रेन होगी। सो हमको दोनों चीज़ों पर फोकस करना है, लैट्स पर भी फोकस करना है एज वेल एज अपर बैक पे भी फोकस करना है ताकि दोनों चीज़ें बराबर ग्रो करें। और सेकेंड सेट था ये, और प्रॉब्लम जो थी वो आपको समझ में आ गई है कि सर की एल्बोज थोड़ी पास में आ रही थी, आपको एल्बोज बाहर रख के करना है। तो ये याद रखना है, दिस वॉज नॉट द बेस्ट फॉर्म टू डू इट, बट आप ये चीज़ जब भी करें तो याद रखना एल्बोज ऊपर रहनी चाहिए, बाहर रहनी चाहिए थोड़ी सी। तो तीसरा सेट हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो और आप देखेंगे नहीं, वीडियो तो वैसे भी कोई नहीं देखने वाला है, 5-10 व्यूज आएंगे, पर ठीक है फिर भी।
और जो भी इक्विपमेंट इस फ्रेम में आपको दिख रहे हैं, डंबल से लेके बारबेल से लेके ये सारी बेंच वेंच मैट वैट बेंच सब कुछ, सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, एफिलिएटेड लिंक्स है। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट द चैनल तो आप कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर उतने नहीं है या व्यूज़ उतने नहीं है किसी और तरीके से हम कमा सकें। तो एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए आप खरीद सकते हैं, नीचे लिंक्स दिए उससे, अगर आपको मन है तो, अगर चाहें तो आप डायरेक्ट भी खरीद सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे श्रग्स। ओ ये एब्स दिखा दिया, टोन तो नहीं बढ़ी है मतलब। हां तो थोड़ा फैट तो बढ़ेगा ना सर, वेट बढ़ाओगे थोड़ा फैट तो बढ़ेगा। श्रग्स करेंगे, श्रग्स के लिए आपको वेट यहां से उठाना है, ऐसे यहां रख देते हैं। श्रग्स तो आपको पता ही है, पहले हमने करें, आओ उठाओ, मैं भूल रहा हूं श्रग्स ये वाले। अच्छा 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 ठीक है, उठाओ श्रग्स ऊपर देखो, इसमें ना थोड़ा सा हिप पीछे करो ऐसे हल्का सा, अब ऊपर पूरे शोल्डर आने चाहिए साथ में। हाँ गुड, वन टू, नीचे धीरे आना है, जोर से थम करके पटकना नहीं, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। आई होप यू कैन सी कि शोल्डर्स ये सर पूरे ला रहे हैं ऊपर, शोल्डर्स पूरे लाना बहुत नेसेसरी है ऊपर ताकि पूरा ट्रैप कॉन्ट्रैक्ट हो सके। थोड़ा सा आगे झुक जाओ सर और आगे की तरफ उठाओ वेट, ये बेटर, पूरा नीचे जाओ धीरे धीरे। सो ये श्रग्स एक्सरसाइज आपके ट्रैप्स के लिए बहुत बढ़िया है और आप कर सकते हैं रेगुलरली ऑन योर बैक डेज। देखो अब कोई कोई इस एक्सरसाइज को है ना शोल्डर के दिन भी करता है, बट ट्रैप्स होते हैं ये, तो ये आपके ट्रैप्स हैं, शोल्डर ये है, तो आप चाहो तो शोल्डर के दिन कर सकते हो अगर आप बैक की एक्सरसाइज बहुत सारी कर रहे हो। बट मोस्ट प्रॉब्ली मैं ज़्यादातर लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि ट्रैप्स आप बैक वाले दिन ही करो, क्योंकि ये पीछे वाले पार्ट में ज़्यादा आता है, ये आगे वाले में खाली इतना सा दिखता है ये पार्ट, बाकी पीछे जो है मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन पीछे होता है इसका। सर इसको वर्टिकल रख दो, इसे उठा के ऐसे नहीं, घुमा के सीधा ऊपर। अच्छा ये, हाँ ताकि गिरे नहीं, वो पैर पर गिरेगा टांगड़ा टूट जाएगा। अगर फ्री बैठे हो और अभी तक वीडियो देख रहे हो कमेंट सेशन में कमेंट कर दो कहाँ से हो और क्यों देख रहे हो मेरी वीडियो, इतना वैसे भी क्या दिन आ गए इतने बुरे कि मेरी वीडियो देखनी पड़ रही है यूट्यूबर्स को छोड़ के बड़े बड़े ऐसा पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वापस बोल रहा हूँ मुझे पता है पर कर लो। लेकिन वो पानी सर और ठंडा बोलो ना, शर्माते क्या हो यार आप गाइस, मैं आता हूँ थोड़ी देर में ठंडा जल लेके, बाय। आई होप मेरी आवाज़ आ रही है, हम फ्रिज तक पहुंच चुके हैं, फ्रिज में से बॉटल निकाल चुके हैं, अब हम आ रहे हैं आपके पास धीरे धीरे घूमते घूमते। ये मैं निकला और मेरी हुई एंट्री, सेकंड सेट पानी पी लो फिर। तो ये है सेकंड सेट, इसके बाद हम बाइसेप्स करेंगे। तो बैक की एक्सरसाइज कौन सी करी, एक वर्टिकल पुल किया पुलअप्स, एक रोइंग क्लोज हैंड वाली ताकि लैट्स थोड़ा टारगेट हो जाए, एक वाइड रोइंग जिससे अपर बैक टारगेट हो जाए थोड़ी, एक कर रहे स्ट्रक्स जिससे ट्रैप्स पे लोड हो जाए। नेक्स्ट हम करेंगे बाइसेप कर्ल और हैमर कर्ल डंबल पे बेसिक से, दैट्स इट फॉर योर वर्कआउट। डंबल ऐसे सीधा ऊपर, वन धीरे धीरे नीचे, ये बैक की एक बाइसेप, बैक बाइसेप साथ में कर रहे हैं ना, एक बाइसेप साथ में पुल साथ में, चेस्ट सीधा रखो अब करो। तो बाइसेप कर्ल करने के लिए आर्म्स आपको जो एंगल नेचुरल है आपका, जैसे मेरे हाथ बाहर जाते हैं तो यहीं पर रखने, फिर कर्ल करना है ऐसे, ऐसे रख के करने की कोशिश नहीं करनी या सीधा रख के ना, इससे शोल्डर पे स्ट्रेन आएगा और वेट भी नहीं उठेगा बाइसेप से। नीचे स्लोली जाओ, हाँ हाँ हमने बता दिया ना, ठीक है ठीक है भाई, सुन लिया आपने। तो बाइसेप कर्ल ऐसे करनी है कुछ आपको डंबल पे, हैमर कर्ल कुछ ऐसे करनी है, वही नॉर्मल कैरी एंगल थोड़ा तो फॉलो करना ही है आपको, हाथ अगर थोड़े से बाहर जाना है जाने दे सकते हैं और सीधा ऊपर सीधा नीचे ले जाना है डंबल को, पूरा ऊपर ले जाके दिखाइए सर, पूरा यहाँ तक नहीं लाना है, ये रेस्ट हो गया है, ये नहीं करना, और एल्बोज मूव नहीं करनी, एल्बोज फिक्स रहेगी एक जगह। भाई से फील हो रहा सर, वो गर्म हो रहा,
चलो खत्म करो। ठीक है, बहुत बढ़िया, डन हो गया। सो आज का वर्कआउट यहीं खत्म होता है, दैट्स इट फॉर दी वर्कआउट। आज हमने किया बैक बाइसेप, ये थी पहली वीडियो हमारे व्लॉग कह सकते हैं, ट्रेनिंग व्लॉग की। तो ऐसी ही वीडियो अब रेगुलर डालूंगा मैं, एवरी अदर डे या एवरी सिंगल डे, डिपेंड्स अपॉन कि मेरे पास समय कितना है। सो फोकस सर की शक्ल पे कर रहा है कैमरा, मेरी शक्ल पे करना पड़ेगा। हाँ बदसूरत है, पर थोड़ी देर देख लो लास्ट मेरे को। तो कंप्लीट हो गया वर्कआउट, बैक बाइसेप्स किया, बैक के 4 एक्सरसाइजेस, फिर बाइसेप्स की 2 एक्सरसाइजेस, दैट्स इट फॉर टुडे। और कल हम मिलेंगे लेग्स के वर्कआउट के साथ, इसमें क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग हम लोग साथ में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन एवरीबॉडी, बाय बाय, बाय कर दो सर, बाय।